एक दो और मेरे हाथों में एक छोटी किटकैट आ गई। एक दो और वाह मेरे हाथों में भी किटकैट है। एक दो और देखो मुझे सबसे बड़ी किटकैट मिली है। वाह देखो सभी चॉकलेट कितने अलग है, जिसका मतलब है कि मल्टीडू चैनल पर बड़े मध्यम और छोटे खाने की चुनौती का समय आ गया है। यह छोटा कॉर्न डॉग क्या है? हाँ तुम बदकिस्मत हो, लेकिन मेरा कॉर्न डॉग तुम्हारे जितना छोटा नहीं है। मैं खुश हूँ। तुम लोगों ने अभी तक मेरा विशाल कॉर्न डॉग नहीं देखा है। मैं ऐसे ही आकार का कॉर्न डॉग चाहती हूँ। ये सच्ची में एक मस्त कॉर्न डॉग है। ये छोटे हाथ है जो मुझे मेरे छोटे कॉर्न डॉग के लिए चाहिए। ये मेरे लिए बहुत कोशिश के बिना इसे पकड़ना बहुत सुविधाजनक होगा। हेलो बेबी, मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ। भले ही तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम बहुत स्वादिष्ट हो। यह सिर्फ अफसोस की बात है कि मेरे लिए काफी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब एक छोटे से नैपकिन के साथ अपना मुंह पोंछ लेती हूँ। अब तुम शुरू कर सकते हो और मुझे अगले होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अब तुम्हें खाने के लिए बहुत खुश हूँ मेरे कॉर्न डॉग। और चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। क्या यह आर्ट का काम नहीं है? मैं हर दिन ऐसी डिश खा सकता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी उंगलियों को नोटिस ना करके इन्हें खा सकता हूँ। बस मजाक कर रहा हूँ। बस बस अब सबसे बड़े और सबसे स्वादिष्ट कॉर्न डॉग का आनंद लेने की मेरी बारी है। इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। ओह यह क्या कर रही हो? ये बहुत डरावना लग रहा है। क्या तुम सच्ची में प्यारा कॉर्न डॉग को काटने जा रही हो? बेशक मैं इसे काटूंगी, नहीं तुम इसे कैसे खा सकती हूँ? जरा देखो ये किस साइज का है। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है। और क्विंटिन तुम चीज के बारे में सही थे, यहाँ बहुत है और ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। यह सबसे स्वादिष्ट कॉर्न डॉग है। वाह यह बहुत अच्छा है, सच में स्वादिष्ट। वाह बहुत बढ़िया। रुको वो कहाँ गया? दोस्तों ओह तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा कॉर्न डॉग खा लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह लगता हम पकड़े गए हैं, भागो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं पकड़ सकती? ओह ओह मेरा सांस फूल रहा है, हालांकि नहीं। ओह यह बहुत मजेदार था। सच में दोस्तों इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह नहीं यह बदबूदार चीज है। यह हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों। ओह कितनी बदबू आ रही है। ओह मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास सबसे बड़ा टुकड़ा है। ओह मैंने इसे क्यों सूंघा? इतना छोटा टुकड़ा है लेकिन इसे बहुत भयानक गंध आ रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से करूंगी। मैं मोनिका हूँ, मुख्य बात कुछ स्वादिष्ट चीज की कल्पना कर रहे हैं। अरे यार ये बिल्कुल भी मदद नहीं करता, क्योंकि ये गंध से भी बदतर टेस्ट है इसका। और ठीक है इस चीज से लड़ने की मेरी बारी है। तुम मुझे अपनी गंध से नहीं डरा सकती। ओह नहीं मैं कितना गलत था, मैं ये नहीं कर सकता। सूजी बचाओ मुझे। ओ मोनिका ओह यार ओह क्विंटिन नौटंकी, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो वापस जाओ, तुम्हें उसे खाना पड़ेगा। लेकिन ये सही नहीं है। ओह भागने का मेरा आइडिया काम नहीं किया, इसलिए मुझे यह खाना ही पड़ेगा। ओह चलो पिन लगा लेता हूँ, शायद यह मदद करे। ओह मैंने ये अपनी जिंदगी का सबसे बुरा चीज खाया है, कोई मेरी मदद करो। ओह अरे नहीं ओह मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओह अब मुझे यह खाना पड़ेगा। उफ लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं, ये बहुत मुश्किल है। ओह लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। ओह यह बहुत भयानक है। आह यह इतना बड़ा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे 100 साल लग जाएंगे इसे खाने में। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर ये आखिरी टुकड़ा खाऊंगी। ओह सूजी थोड़ा धैर्य रखो, बेचारी सूजी। ओह कितनी बदबू है। आ सूजी मेरा दम घुट रहा है। ओह मैं मर रहा हूँ। ओह दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया पर ऐसा हो गया। यह पंखे मदद करेगा। ओह
हाँ लग रहा है ये मदद किया। बस केपसी के इस छोटे से टुकड़े को देखो। ओह, वाह, एक सुपर तीखा चिकन। सूजी जागो। अरे बेहोश मत हो, तुम्हें यह सब खाना पड़ेगा। चलो पहले तुम खाओ। चलो मैं पहले खाऊंगी। ये बहुत छोटा है इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ओह ये बहुत तीखा है, मेरा जीभ जल रहा है। ओह मोनिका, यह तुम्हें मदद करेगा। हाँ सच में इसने मदद की, तुमने मुझे बचा लिया। तो दोस्त अब मेरी बारी है और मैं इसे संभाल लूंगा। ओह यहाँ तो आग लग रही है, लेकिन मैं जितनी जल्दी खाऊंगा मैं उतनी जल्दी इसे खत्म कर लूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं असली ड्रैगन हूँ। रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ये ठंडे पानी से। क्या तुम तैयार हो मोनिका? तैयार, चलो। ओह अब ये बहुत अच्छा है, बस रुको रुको। ओह रुक जाओ लड़कियों, अब मैं नहीं जल रहा हूँ। खैर अब मैंने खत्म कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है सूजी। हाँ वो कहाँ है, मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। मुझे तुम मिल गई। चलो अब तुम टेबल से ऊपर आओ और अब इसे खाओ। ओह मैं इसे नहीं खाना चाहती, मैं इसके स्वाद की कल्पना करके डर रही हूँ। ये बहुत भारी है, मैं क्या करूँ। ठीक है चलो, बॉक्स को हटा दिया और अब मुझे इसे खाना पड़ेगा। ओह सूजी तुम मुझे डरा रही हो। अरे ये तो आग लग रही है, मैं इसे ठीक से चबा भी नहीं पा रही हूँ। ओह ये कुछ भयानक है, मुझे बहुत तीखा लग रहा है। मैं अंतरिक्ष में रॉकेट की तरह उड़ना शुरू कर रही हूँ। वाह वो कहाँ जा रही है? ओह वाह मैं स्पेस में आ गई हूँ। ओह बाय बाय पृथ्वी, मैं यहाँ अंतरिक्ष में हूँ। सुनो और यहाँ बहुत सुंदर है, तारे। हम इसे हर दिन नहीं देख पाते हैं और इस मामले में मुझे चिकन पसंद है। और यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रह हैं। वाह रुको, ओह मैं गिर रही हूँ। और लगता है सूजी वापस आ रही है। अरे नहीं कुछ मेरे सर पर गिरा। ओह नहीं, वाह क्या है, तुम लोग कैसे हो दोस्तों? ओ, हम ठीक है। तुम लोग बहुत फनी हो। और यहाँ मेरा फेवरेट फैंटा है और मेरे पास ये इतना छोटा है कि मैं इसे पी भी नहीं सकता। कैसे पीऊँ? ओह हाँ मैं बहुत दिनों से इतनी खुश नहीं हुई हूँ। जरा देखो कि क्विंटन कितना बदकिस्मत है। खैर मैं इसे पहले शुरू करता हूँ, पर इसे खोलूँ कैसे? मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है कि क्या करना है। सूजी तुम्हारा जूता एकदम सही रहेगा। ओह क्विंटन तुमने क्या किया? क्या? बस ये तुम ले सकती हो, अब मैं अपना फैंटा पी सकता हूँ। फ्रेश, ये बहुत टेस्टी था लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम। ये बुरा है, कोई दुखी है और कोई अब सामान्य मात्रा में सामान्य फैंटा पी रहा है। ओह बस देखो कि वो क्या है, स्वादिष्ट सुंदर ताजा, बस बढ़िया और स्वादिष्ट भी। इस ड्रिंक को पीना एक खुशी है। ओह माफ करना, अजीब था। सूजी मुझे भी नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे मुझे चिढ़ाओ मत। ओह उन्होंने यहाँ एक किंडरगार्टन बना दिया है, मेरी मदद के बिना वे निश्चित रूप से शांत नहीं होंगे। मोनिका इसे रोको, ये बहुत जोर से है, हम बहरे हो सकते हैं। लेकिन तुम आखिरकार शांत हो गए। खैर मैं सुरक्षित रूप से अपना विशाल फैंटा पीना शुरू कर सकती हूँ, बस उसे थोड़ा ऊपर उठाना होगा। ओह भारी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। मुझे तत्काल कुछ सोचना होगा। हाँ आइडिया, मैं कैन खोलूंगी, रुक जाओ। ठीक है मैंने ढक्कन तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, ड्रिल। बस ऐसे, और अब मैं इसे पी सकती हूँ, स्वादिष्ट फैंटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ वो उसे पीते देखकर तो लालच आ रहा है। सूजी मेरे पास एक आइडिया है, चलो मैं दूसरा छेद बनाता हूँ और
दूसरे साइड से मैं फैंटा पीऊंगा और मोनिका पी रही है उसे पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब है, मेरा फैंटा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्विंटिन, तुमने मेरा फैंटा पिया? उप्स। उप्स। मुझे नहीं लगा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। यह तुम्हारे लिए था। मल्टीडू चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। हमें आपको फिर से देखकर खुशी होगी। बाय बाय।